तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को जो कि फाइनली आज यहां पर निकल करके आई हैं और काफी लेटेस्ट हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं, तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों अगर बात करूं सबसे पहली न्यूज के बारे में, तो यहां पर जो सबसे पहली न्यूज निकल के आती है वो निकल के आती है रेडमी को लेकर के। अब दोस्तों जैसे रियलमी अपने सी सीरीज के स्मार्टफोन को, मतलब इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है इंडिया में जिसका कोई सेंस नहीं है, C15, C12, C13 ऐसे करके, और यहां पर उसको देख करके रेडमी भी अब सेम वही काम कर रही है। रेडमी के 9 सीरीज में आपको इतने सारे स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब दोस्तों एक स्मार्टफोन कायदे से बिक नहीं रहा है कि दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च हो जा रहा है। कुछ दिन पहले रेडमी 9A स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है, अब रेडमी 9i स्मार्टफोन भी इंडिया में आ रहा है 15 सितंबर को। दोस्तों इसकी जो लॉन्च डेट है वो यहां पर कल ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो रेडमी 9A स्मार्टफोन जो कि ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च्ड है उसी स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G25 प्रोसेसर वगैरह देखने के लिए मिलता है, और इसमें आपको 4GB की रैम 64GB स्टोरेज और 4GB रैम 128GB स्टोरेज, ये दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, और उसके हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो 8-8.5 हज़ार रुपए के आसपास यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है उसी स्मार्टफोन को नाम और उसके रैम वेरिएंट को चेंज करके फिर से उसे लॉन्च कर देना, ये कुछ सही सेंस नहीं बनता है। वाका क्या कहना है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों बात करता हूँ अगली न्यूज के बारे में, तो यहाँ पर जो अगली न्यूज निकल कर आती है वो निकल कर आती है इन्फिनिक्स की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था, आज यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन की जो लाइव पोस्टर है वो निकल करके आ चुके हैं, जहां पर इस स्मार्टफोन की डिजाइनिंग वगैरह कुछ कंफर्म होकर के आ चुकी है, साथ में फीचर्स भी कंफर्म हो गए हैं। अब दोस्तों अगर बात करूं आपसे यहां पर इन्फिनिक्स हॉट 10 स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स और पोस्टर के बारे में, तो यहां पर इसका जो पोस्टर है वो लीक होकर के आया है, जहां पर इस स्मार्टफोन में आपको सामने के साइड पंच और डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिलती है, जैसा कि सेम टू सेम आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन में भी देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों यहां पर पीछे की साइड आपको क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। अब यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, ये भी चीज इस पोस्टर पे कंफर्म कर दी गई है। तो मीडियाटेक हीलियो G70 प्रोसेसर आ रहा है, उसके हिसाब से अगर इसकी जो प्राइस है वो कुछ 8-8.5 हज़ार रुपए के आसपास में होती है, तो मैं कहूंगा स्मार्टफोन ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये स्मार्टफोन 10-11-12 हज़ार रुपए में इन्फिनिक्स इस स्मार्टफोन को लॉन्च करता है आज 2020 में, तो एटलीस्ट हमें 9,999 रुपए में हीलियो G80 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, तो ऐसे में हम G70 को क्यों लेंगे। तो देखना होगा प्राइसिंग यहां पर इस स्मार्टफोन की क्या होती है, वैसे जल्दी यह स्मार्टफोन इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, तो यहां पर जो अगली न्यूज निकल कर के आती है वो निकल कर के आती है इन्फिनिक्स के 08 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च को लेकर के। दोस्तों आप लोग काफी समय से मुझसे यहां पर पूछते रहते हैं कि जो इन्फिनिक्स का 08 स्मार्टफोन है वो इंडिया में कब लॉन्च होगा। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि जो इन्फिनिक्स का 08 स्मार्टफोन है वो अक्टूबर के महीने में आपको यहां पर इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, और जो इन्फिनिक्स के नोट सीरीज आ रही है नोट सीरीज के बाद में इन्फिनिक्स की जो 0 सीरीज है वो इंडिया में हमें यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। वैसे दोस्तों फीचर्स वगैरह तो ठीक ठाक है, लेकिन प्राइसिंग भी ठीक ठाक रहे तभी ये जो स्मार्टफोन है वो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल करके आएगा। वैसे आप यहां पर इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बताइएगा। बात करता हूं दोस्तों यहां पर अगली न्यूज के बारे में, तो यहां पर जो अगली न्यूज निकल करके आती है वो निकल करके आती है वीवो की तरफ से। और दोस्तों यहां पर वीवो अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, और दोस्तों यहां पर ये जो स्मार्टफोन है इसका नाम है वीवो V20 SE। दोस्तों इसका जो पोस्टर है वो निकल करके आ चुका है, यहां पर आप देख भी सकते होंगे वीवो V20 SE करके कमिंग सून नीचे लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ 2020 में Snapdragon 665 का प्रोसेसर यूज करना तो ठीक बात है, लेकिन अगर स्मार्टफोन की प्राइसिंग भी ठीक ठाक होती है तब ये जो स्मार्टफोन है वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो पाएगा। अदरवाइज वीवो ओप्पो का तो अलग ही प्राइसिंग रहती है, प्रोसेसर कोई और प्राइसिंग इतनी भयंकर जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन की होती है। तो अब देखना है कि प्राइसिंग वीवो V20 SE स्मार्टफोन की क्या होती है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बात करता हूं आपसे यहां पर अगली न्यूज के बारे में, तो यहां पर जो अगली न्यूज निकल कर आती है वो निकल कर आती है यहां पर रियलमी की तरफ से। और दोस्तों यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो रियलमी का नार्जो 20 स्मार्टफोन है वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों यहां पर 2-3 दिन पहले मैंने आपको यह भी इन्फॉर्म किया था कि जो रियलमी का 7i स्मार्टफोन है वो लॉन्च होने जा रहा है, और इसके काफी सारे जो फीचर्स हैं वो यहां पर निकल करके आ चुके हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपसे बताऊं तो जो रियलमी का 7i स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो रहा है 17 सितंबर को। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि वही सेम स्मार्टफोन इंडिया में रियलमी नार्जो 20 के नाम से हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 17 सितंबर को ऑलरेडी यहां पर इंडोनेशिया में लॉन्च हो रहा है।
और इंडिया में भी कहा जा रहा है कि जो स्मार्टफोन है वो सितंबर लास्ट तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स कंफर्म होकर के आ चुके हैं। अब रियलमी क्या कर रहे हैं अपने इन स्मार्टफोन के साथ में, ये लोग स्मार्टफोन को अपग्रेड कर रहे हैं कि स्मार्टफोन को डाउनग्रेड कर रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। मतलब दोस्तों अब यहां पर 10,000 के नीचे वाले भी स्मार्टफोन्स में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जा रहा है, लेकिन Realme 12 से 13 हजार रुपए के स्मार्टफोन में हमें अभी तक HD प्लस डिस्प्ले ही दे रही है। यहां पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। अब डिस्प्ले है HD प्लस, रिफ्रेश रेट दे रहे हैं 90 हर्ट्ज। उसके साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला है। यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अब प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहिए तो Realme वही 600 सीरीज के प्रोसेसर को यूज कर रही है। और उसके साथ यहां पर अगर आप बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो नॉर्मल सी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे की साइड आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। स्मार्टफोन में आपको 18 वाट का जो चार्जर है वो देखने के लिए मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। अब दोस्तों मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट कैमरे को 48 मेगापिक्सल कर देते, कम से कम यहां पर जो प्रोसेसर है उसको अगर Qualcomm Snapdragon 720G का ही कर देते तो जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही एकदम बेटर स्मार्टफोन निकल कर आता, और ऐसे में जो स्मार्टफोन है वो काफी सारे स्मार्टफोन को टक्कर भी दे देता। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस Realme क्या रखती है फिलहाल ये देखना अभी बाकी है। वैसे मेरे हिसाब से अगर 11-12 हजार रुपए में स्मार्टफोन आता है तब मैं कहूंगा थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहेगा, लेकिन अगर वही 13-14 हजार रुपए कर देंगे तो फिर ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं रह जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। वैसे Realme Narzo 20 यानी Realme 7i स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब दोस्तों फाइनली यही था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर दीजिएगा।